और एक और बड़ी खबर इसी के साथ आप देखिए, राजधानी कीव में रूसी सेना के टैंक घुस गए हैं, ये भी बड़ी खबर आ रही है। कीव शहर के बीचों बीच रूसी सेना पहुंच चुकी है और अब कीव पर रूसी सेना का कब्जा हो गया है। देखिए, बीचों बीच कीव पर ही कब्जा जमाना चाहता था रूस, और अब रूस में पहुंच चुका है कीव शहर के बीचों बीच की तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। जी हिंदुस्तान की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कीव शहर के बीचों बीच देखिए रूसी सेना का जो काफिला है वो पहुंच चुका है। रूसी सेना के टैंक आपको कीव शहर के अंदर आपको नजर आ रहे हैं, राजधानी कीव, और यहीं पर सबसे पहले कब्जा जमाना चाहता था। अब तक बाहरी इलाकों पर कब्जा जमा लिया था लेकिन कीव रह रहा था, और देखिए अब धीरे धीरे कीव के बीचों बीच पहुंच चुके हैं। रूसी सेना का ये काफिला आपको कीव शहर के अंदर आपको नजर आ रहा है, शहर के अंदर दाखिल हो चुके हैं, राजधानी पर कब्जा कर लिया है। तो यहां रूसी टैंकों की एंट्री आपको नजर आ रही है। देखिए ये रूसी सेना का काफिला जो कि इस वक्त कीव शहर में नजर आ रहा है, कीव की सड़कों पर घूमता हुआ ये काफिला रूसी सेना का है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें, कीव में रूसी और यूक्रेन की सेना के बीच अभी भी जबरदस्त जंग जारी है। देखिए जबरदस्त बमबारी और फायरिंग इस वक्त कीव में देखी जा रही है, लगातार यहां गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। तो कीव में चार मोर्चों पर इस वक्त रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच जंग चल रही है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जबरदस्त जंग इस वक्त कीव में रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच चल रही है। चार मोर्चों पर ये जो जंग है लगातार जारी है, फायरिंग लगातार हो रही है, जबरदस्त बमबारी हो रही है, और इस बीच आप देखिए गोलीबारी की आवाजें लगातार यहां सुनाई दे रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी सेना से मात खाने के बाद अब बैकफुट पर जेलेंस्की। जी हां, रूस से बातचीत करने के लिए यूक्रेन अब तैयार हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा की गारंटी मिलने पर ये बातचीत संभव है, ये बात यूक्रेन की तरफ से कही गई है। तो देखिए अब रूस से बातचीत के लिए तैयार हो गया है यूक्रेन, यानी अब रूसी सेना से मात खाने के बाद बैकफुट पर यूक्रेन आ गया है। और जो जेलेंस्की है यूक्रेन के राष्ट्रपति, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सुरक्षा की गारंटी मिलने पर ही ये बातचीत संभव होगी। देखिए जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, जो जिस तरह मजबूत स्थिति में रूस दिख रहा है उसके सामने यूक्रेन हालांकि बेहद मजबूती से टिका हुआ है और लड़ भी रहा है, लेकिन उसे अपनी शक्ति का पता है। और ऐसे में वो, क्योंकि जेलेंस्की की तरफ से पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि अगले कुछ घंटों में रूसी सेना का पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा, और अब यहां बैकफुट पर आता हुआ यूक्रेन नजर आ रहा है। यूक्रेन में हर तरफ तबाही का मंजर है, चकाचौंध रहने वाला देश मलबे में तब्दील हो गया है, आसमान में रूसी मिसाइलों ने कब्जा जमा रखा है, पूरे यूक्रेन में मौत मंडरा रही है, धमाकों और रूसी हमलों से पूरा यूक्रेन दहल गया है। कल तक जो यूक्रेन पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था, आज वो मौत की नींद सो रहा है। जिस देश की इमारतें आसमान से बातें कर रही थी, वो इमारतें अब मुर्दों की बस्ती में तब्दील हो चुकी हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की सनक ने यूक्रेन में जो नाचलीला की है उससे यूक्रेन को उभरने में कई दशक लग जाएंगे। रूस ने यूक्रेन को हर तरफ से घेर कर हमला किया है, चीख पुकार के बीच रूसी टैंक लगातार आगे बढ़ रहे हैं और यूक्रेन के शहरों पर कब्जा होता जा रहा है। बाइडेन ने कहा है कि पुतिन हमलावर हैं, उन्होंने युद्ध को चुना है, अब वे और उनका देश हमले के नतीजे भुगतेंगे। Let me say it again. Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine, but to defend our NATO allies and reassure those allies in the East. As I made crystal clear, the United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power. युद्ध के मैदान में अकेला पड़ने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों को आड़े हाथ लिया है। जेलेंस्की ने कहा, नाटो देशों ने उनके देश को रूसी सैनिकों का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दिया है। रूस बुराई की राह पर चल पड़ा है, लेकिन यूक्रेन अपना बचाव कर रहा है और अपनी स्वतंत्रता नहीं छोड़ेगा, अंत तक लड़ता रहेगा। 137 हीरो, जिनमें 10 सैन्य अधिकारी शामिल थे, मारे गए हैं और 316 लोग घायल हुए हैं।
वे लोगों को मार रहे हैं और शांतिपूर्ण शहरों के सैन्य ठिकानों में बदल रहे हैं। ये बेईमानी है और इसे कभी माफ नहीं किया जाएगा। आधी रात में अपने देश को संबोधित करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति बहुत ज्यादा आक्रोशित नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके देश को उनको सभी लोगों ने अकेला छोड़ दिया है। इस संकट की घड़ी में उनके साथ कोई नहीं खड़ा। यहां तक कि नाटो देशों को लेकर उन्होंने बहुत सीधे तौर पर हमला भी किया कि वो डरपोक हैं, लगातार उनके लिए सामने नहीं आ रहे। जेलेंस्की रूस से लड़ाई में अकेले पड़ चुके हैं। उनके पास इतने हथियार नहीं कि वो रूस के हमलों का सामना कर सकें। नाटो और अमेरिका मदद के नाम पर केवल बातें कर रहे हैं। अब बातों से रूस और उसकी सेना पर कोई असर नहीं होने वाला। यूक्रेन को युद्ध के मैदान में मदद की जरूरत है, लेकिन यूक्रेन के लिए कोई भी देश रूस से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाह रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।